आज इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा दिन है क्योंकि 10 साल के बाद किसी इंडियन ओपनर ने दोहरा शतक लगाया है। मयंक अग्रवाल ने आज 215 रन की पारी खेली। इससे पहले 2009 में वीरेंद्र सहवाग ने 293 रन की पारी खेली थी श्रीलंका के खिलाफ मुंबई में। उसके बाद मुरली विजय, शिखर धवन, केएल राहुल, भारती पटेल और अभिनव मुकुंद जैसे बल्लेबाज ओपन करते रहे पिछले 10 साल में, लेकिन कोई भी बल्लेबाज दोहरा शतक नहीं लगा पाया। अगर मयंक अग्रवाल के फर्स्ट क्लास क्रिकेट की बात करें तो यहां पर उन्होंने 304 रन का सर्वाधिक स्कोर है, 13 शतक उनके नाम और दोहरा शतक भी है उनके नाम, 220 रन। इंडिया की ओर से ये 52वां डबल 100 था, तो बहुत अच्छा दिन रहा ये टीम इंडिया के लिए और एक बहुत बड़ी ये प्लेयर हो सकते हैं इंडिया के लिए आने वाले समय में। और उम्मीद करेंगे कि आने वाले समय में अपनी ये कंसिस्टेंसी बरकरार रखें और ऐसे ही बड़े बड़े स्कोर टीम इंडिया के लिए करते रहे। तो ये था इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।